नमस्कार, मैं प्रिया। आज 23 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के लोग अब घर बैठे बैठे कमाएंगे रुपए। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों को मिलेगा नया होल्डिंग नंबर। बिहार के विश्वविद्यालयों में एक साथ संचालित होंगे शैक्षणिक सत्र। बिहार में बनेगा पहला अत्याधुनिक पुल। कोरोना में अभिभावकों को खोने वाले छात्रों को सीबीएसई ने दी बड़ी राहत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन आयोजित करवाई गई नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार में साल 2022 के लिए सरकारी कार्यालय में अवकाश की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार कारा एक्सरे टेक्नीशियन नियमावली 2021 को भी स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही बिहार कैबिनेट ने मद्य निषेध नियमावली 2021 की स्वीकृति दी है। इसके अलावा राज्य के स्कूलों में शिक्षा विभाग की तरफ से संचालित योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से वितरित करने का फैसला किया गया है। वहीं 8386 शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली करने समेत कई निर्णय लिए गए हैं। पटना हाईकोर्ट में इस दिन से शुरू होगी फिजिकल सुनवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना हाईकोर्ट में फिजिकल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद अब जाकर एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट में फिजिकल तौर पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट में 27 सितंबर से आमने सामने सुनवाई शुरू होगी, जिसके तहत 4 दिन फिजिकल तो 1 दिन वर्चुअल कोर्ट होगी। पटना हाईकोर्ट समन्वय समिति और हाईकोर्ट के 3 जजों की एक कमेटी के बीच हुई बैठक के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने सप्ताह के 4 दिन फिजिकल तो 1 दिन वर्चुअल कोर्ट शुरू करने की जानकारी दी है, जिसके बाद फरियादियों को भी काफी राहत मिली है। आज फिक्की के 6th नेशनल टूरिज्म इन्वेस्टर्स मीट में बिहार का पर्यटन विभाग भी लेगा हिस्सा। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को दोबारा से पटरी पर लाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर ही फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 6th नेशनल टूरिज्म मीट का आयोजन करवाया है, जो कि 23 और 24 सितंबर को आयोजित होगा। हालांकि बिहार के लिए यह अहम इसीलिए है क्योंकि बिहार पर्यटन भी इस सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है। बिहार पर्यटन द्वारा इको पर्यटन को बढ़ावा देने और साथ ही साथ इस पर जोर दिया जा रहा है। इस संदर्भ में एक प्रस्तुति की तैयारी कर ली गई है, जिसमें पर्यटन नीति, उत्पाद की पेशकश के विवरण के साथ निवेश योग्य योजनाओं की सूची, निवेशकों के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन और निवेश से संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में बताया जाएगा। उत्तर रेलवे में 3093 ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर निकाली गई रिक्तियां। रेलवे भर्ती सेल उत्तर रेलवे ने अप्रेंटिस के 3093 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर 2021 से शुरू कर दिए हैं। रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2021 से आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी अब अप्रेंटिस वेबसाइट www.actapr.rrcnr.org पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आरआरसी नदर्न रेलवे के 3093 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए 10वीं और ITI पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। रेल स्टेशन के लिए नए सिरे से आया प्रस्ताव। पटना मेट्रो रेल स्टेशन के लिए नए सिरे से प्रस्ताव को पेश कर दिया गया है, जिसके तहत ही अब जमीन अधिग्रहण का काम किया जाएगा। जिलाधिकारी स्तर पर हुई समीक्षा के बाद इस बात का निर्णय लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पटना मेट्रो रेल स्टेशन निर्माण में कुल 7 मौजा में 3.604 एकड़ भूमि का प्रस्ताव मिला था, जिसमें गड़बड़ी रहने के कारण अब कुल 4 मौजों के जमीन अधिग्रहण का काम होगा, जिसके तहत ही पहाड़ी मौजा में रकबा 2.1866 एकड़ भूमि और आकाशवाणी पटना यूनिवर्सिटी और PMCH के पास जमीन का अधिग्रहण होगा। ज्ञात हो पटना मेट्रो रेल डिपो के लिए 76.645 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईसा में सिमरिया जिला मुंगेर में एक सामान्य किसान रवि सिंह और उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनका देहावसान हो गया था। परिमानतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और कैशोर्य देहात में बीता था। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों को मिलेगा नया होल्डिंग नंबर।
बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों को जल्द ही नया होल्डिंग नंबर मिलने वाला है। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सारी जानकारी साझा कर दी है। साथ ही उन्होंने योजना के अंतर्गत राज्य भर में पूरे हुए आवासों को सूची तलब की है, जिसके बाद एक साथ सभी आवासों का गृह प्रवेश होगा। इसको लेकर हाल ही में नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यालय कक्ष में योजनाओं की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस के 20 साल पूरे हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में सभी आवासों का एक साथ गृह प्रवेश एक निश्चित तारीख को निर्धारित कर दिया जाएगा। बिहार के लोग अब घर बैठे बैठे कमाएंगे रुपए। बिहार सरकार प्रदेश के उत्पादों को निर्यात करने पर जोर दे रही है। यही कारण है कि बीते दिन उत्पादों को दुनिया के 75 देशों में निर्यात करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत ही बिहार से भागलपुर सिल्क, खादी वस्त्र, मखाना, चावल, सब्जियां आदि को निर्यात किया जा रहा है, जिसकी जानकारी उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दी है। इस बाबत उन्होंने आगे बताया कि राज्य में औद्योगिक माहौल बन रहा है। पिछले 6 महीने में 35,000 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव आया है, इनमें से 897 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार काफी तेजी से निवेश के लिए आकर्षित कर रही है। उनका यह भी कहना है कि बिहार में निर्यात निगम को पटरी पर लाने की तैयारी हो रही है। बिहार में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार। बिहार में आने वाले 2 दिनों में लोगों को बारिश का एहसास होने वाला है। पटना के मौसम केंद्र की तरफ से जारी किए गए अलर्ट के अनुसार बिहार में आज दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, नवादा में और दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व जिले के कुछ स्थानों पर गरज के साथ मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मानसून की ट्रफ लाइन इन दिनों जैसलमेर, कोटा, गुना, सिद्धि, रांची होते हुए पश्चिम बंगाल में बने कम दबाव का क्षेत्र बनाते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। पश्चिम बंगाल में बनी एक ट्रफ लाइन तेलंगाना आंतरिक ओडिशा से होकर गुजर रही है, जो समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसके कारण ही बिहार में बारिश की संभावना बनी है। वैशाली में बन रहा है विश्व स्तरीय संग्रहालय। बिहार के वैशाली जिले में जल्द ही विश्व स्तरीय संग्रहालय बनकर तैयार होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार वैशाली में लगभग 301 करोड़ की लागत से बनने वाले बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला होगा। इसका प्रदर्शनी कक्ष के डिजाइन पर करीब 57 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि फर्नीचर और अन्य सामानों पर 3.5 करोड़ की राशि खर्च होगी। संग्रहालय निर्माण को लेकर पिछले दिनों कला संस्कृति और युवा विभाग में समीक्षा बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है। विभागीय सचिव वंदना प्रेयसी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद अफसरों को इस बाबत निर्देश भी दे दिया है। रेलवे ने 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के परिचालन का किया विस्तार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोरोना से पहले चलाई जाने वाली ट्रेनों को एक बार फिर से चलाया जा रहा है, जो कि अब स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि इन ट्रेनों में यात्रियों को पहले से करीब 1.5 गुना अधिक किराया देना होगा, जिसके तहत अब रेलवे ने 17 जोड़ी ट्रेनों के अवधि में विस्तार किया है, जिससे कि आने वाले यात्रियों में आपको अब यात्रा करने के लिए जेब ढीली करनी होगी जिसके बाद आने वाले दिनों में आपको यात्रा करने के लिए जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को स्पेशल किराया देना होगा, जिसके तहत गांधीधाम भागलपुर स्पेशल, भागलपुर गांधीधाम साप्ताहिक, बांद्रा टर्मिनस सहरसा साप्ताहिक, सहरसा बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक, बांद्रा टर्मिनस पटना साप्ताहिक, पटना बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक समेत कई ट्रेनों का परिचालन में विस्तार किया गया है। बिहार में बनेगा पहला अत्याधुनिक पुल। जल्द ही बिहार का पहला अत्याधुनिक पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि बिहार के भागलपुर जिले में बनेगा। जानकारों की माने तो इस पुल के बन जाने से आम लोगों को काफी सहूलियत तो मिलेगी ही, साथ ही पुल को बनाने के लिए स्टील फाइबर का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टील फाइबर लगने से 100 साल से ज्यादा इसकी उम्र हो जाएगी, जिसके बाद अब जानकारों का अनुमान है कि इस पुल के निर्माण का काम अक्टूबर महीने से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विक्रमशिला पुल के समानांतर प्रस्तावित 4 लेन पुल के निर्माण और अत्याधुनिक तकनीक के डिजाइन को लेकर बैठक भी की। बैठक के बाद अत्याधुनिक तकनीक के डिजाइन को बनाने में तेजी आई है। पंचायत चुनाव में सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगी चुनावी ड्यूटी। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीते दिन पहले चरण के प्रचार की प्रक्रिया को रोक दी गई, वहीं कल यानी कि शुक्रवार को पहले चरण के मतदान करवाए जाएंगे। हालांकि इन सबके बीच चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी जानकारी साझा की है, जिसके तहत पंचायत चुनाव 2021 में NIC के सॉफ्टवेयर से ड्यूटी लग रही है, जिसके तहत मतदान से लेकर मतगणना तक ड्यूटी लगी है। मतदान और मतगणना के लिए कर्मियों का बीते दिन ही द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया है, जो कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी और प्रेक्षक की उपस्थिति NIC के सॉफ्टवेयर से रैंडमाइजेशन का काम किया गया है। मतदान के काम में लगाए गए कर्मियों को मतगणना के काम से अलग रखा जाएगा। भाजपा ने मनाया
किसान जवान सम्मान समारोह। बिहार भाजपा ने पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन से ही 20 दिवसीय कार्यक्रम का आह्वान किया था। इसको लेकर हर दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं बीते दिन इसी कड़ी में भाजपा ने किसान जवान सम्मान समारोह मनाया, जिसके तहत ही प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने 71 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाई। वहीं कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि किसानों के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उससे संबंधित बैनर और पोस्टर ट्रैक्टर पर लगाए गए हैं और उससे लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाई जाएगी। लालू यादव ने बिहार के हर जिले का दौरा करने का किया ऐलान। बीते दिन राजद की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आखिरी दिन था। वहीं इस मौके पर राजद कार्यकर्ताओं में जोश तब भर गया जब इस शिविर का संबोधन खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया, जिसके बाद बीते दिन आयोजित कार्यक्रम में लालू यादव वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने कई सारे ऐलान भी किए, जिसके तहत ही इस दौरान लालू यादव ने ये ऐलान किया कि वो जल्द ही दिल्ली से बिहार आएंगे और हर जिले का दौरा करेंगे। इसके साथ ही राजद सुप्रीमो ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ भी की। विश्वविद्यालयों में एक साथ संचालित होंगे शैक्षणिक सत्र। बीते दिन शिक्षा विभाग ने अपना आदेश जारी किया है और बिहार के विश्वविद्यालयों में एक साथ शैक्षणिक सत्र के संचालित होने की बात कही है। मिली जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र और परीक्षा संचालन की लेट लतीफी को सरकार ने गंभीरता से लिया है, जिसके तहत ही उच्च शिक्षा का विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता देने में जुटी सरकार ने विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र की एकरूपता लाने का आदेश कुलपतियों को दिया है, जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने दी है। इस बाबत अपर मुख्य सचिव ने कुलपतियों से साफ तौर से कहा है कि विलंबित परीक्षाएं एक तय समय सीमा में कराएं और नए सत्र से परीक्षा संचालन और रिजल्ट प्रकाशन में एक रूपता लाएं। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई बड़ी खबर। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जल्द ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिसके तहत बिजली कंपनी ने अब मिशन 42 महीने के लक्ष्य के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसको लेकर ये योजना बनाई जा रही है कि अगले 42 महीने में सूबे के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दी जाए। सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने से योजना से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिए जाएंगे, जिसके बाद नई योजना के तहत ग्रामीण इलाके में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना शुरू होगी। सबसे खास बात यह है कि इस योजना में छोटे शहरों को भी शामिल किया जा रहा है। जानकारों की माने तो जिन छोटे शहरों में कनेक्शन की संख्या अधिक है, वहां प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम सरकार करने वाली है। ध्वनि में आए कोरोना मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री और सीएम नीतीश ने दी सफाई। बीते कुछ दिनों से मीडिया में लगातार ऐसी खबरें चल रही थी कि बिहार के मधुबनी जिले में अन्य राज्यों से आए यात्रियों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिसके तहत एक दिन में सिर्फ मधुबनी जिले में 30 से 35 मामलों के आने की खबर सामने आ रही थी। हालांकि इन सबके बीच अब इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सीएम नीतीश ने सफाई दी है, जिसके तहत एनडीए की तरफ से बिहार विधान परिषद में खाली एक सीट के लिए पटना के कमिश्नर ऑफिस में जदयू की रोजीना नाजिश को उम्मीदवार घोषित करने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे स्वीकारा कि खबर ऐसी आई थी, लेकिन तुरंत ही उन्होंने मंगल पांडे की तरफ इशारा किया कि वो बताएंगे कि मामला है क्या। जिस पर ही मंगल पांडे ने कहा कि जब खबर आई तो स्वास्थ्य विभाग ने 147 लोगों का जांच करवाया, क्रॉस चेक कराया, उसके बाद ये पाया गया कि सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भारत के दबाव के बाद कोविशील्ड को मिली ब्रिटेन में मान्यता। भारत के दबाव के बाद कोविशील्ड को ब्रिटेन ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अगर आप भी ब्रिटेन की यात्रा करते हैं तो कोविशील्ड को स्वीकृत टीके के रूप में अब माना जाएगा। हालांकि यह नियम इतनी जल्दी लागू नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से जारी किए गए नए नियम के अनुसार ब्रिटेन ने यह नियम 4 अक्टूबर से लागू करने का फैसला सुनाया है। इस दौरान कोविशील्ड टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को 10 दिन क्वारंटीन में नहीं रहना होगा। साथ ही उन्हें यह भी नहीं बताना होगा कि वो ब्रिटेन में कहां रहेंगे। ब्रिटेन के परिवहन विभाग और स्वास्थ्य एवं समाज देखभाल विभाग ने इसको लेकर जानकारी साझा कर दी है और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए ब्रिटेन आने से 14 दिन पहले टीके की दोनों खुराक हालांकि अभी लेना अनिवार्य है। पैसा लेकर टिकट बांटने के आरोप में तेजस्वी मीसा समेत 6 पर मुकदमा दर्ज। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 5 लोगों पर बीते दिन मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला लोकसभा चुनाव में रुपए देकर टिकट बांटने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में परिवादी ने याचिका दायर की है। अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने परिवादी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि कांग्रेसी नेता संजीव कुमार सिंह के दायर परिवाद पत्र मामले में मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित 6 लोगों पर कोर्ट ने पटना के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। ऑन स्पॉट सीएम नीतीश ने डीएम को जारी किया आदेश।
बिहार विधान परिषद की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए दिवंगत तनवीर अहमद की पत्नी को बीते दिन जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया। इस दौरान रोजीना नादिश का नामांकन करवाने सीएम नीतीश भी पहुंचे थे, जहां नामांकन के बाद ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की। साथ ही मौके पर उन्होंने मीडिया की तरफ से पूछे गए सवाल का समाधान डीएम से निकालने को कहा, जहां मीडिया वालों ने बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष सिपाही नरेंद्र कुमार धीरज के यहां 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिलने को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह से साफ तौर पर कहा गया है कि आप उन लोगों से कह दीजिए कि मीडिया को सारी बातों की जानकारी दे। कोरोना में अभिभावकों को खोने वाले छात्रों को सीबीएसई ने दी बड़ी राहत। देश भर में कोरोना ने अपना डंक फैलाया था, जिसके कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके सिर से माँ बाप का साया छिन गया है, जिनके भविष्य को लेकर अब चिंता होने लगी है। हालांकि ऐसे बच्चों की मदद के लिए सरकार तो आगे आई ही है, अब सीबीएसई ने भी कोरोना में जान गंवाने वाले अभिभावकों के बच्चों को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह साफ कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण अपने अभिभावकों को खोने वाले छात्रों से अगले साल कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए कोई पंजीकरण या परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। सीबीएसई ने यह फैसला शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए लिया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बाल विवाह निरोधक विधेयक 1929 में पारित हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2009 में भारतीय उपग्रह ओशन सैट 2 समेत 7 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध विराम का आदेश आज के दिन जारी हुआ। हिंदी जगत सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में आज के दिन हुआ था। हिंदी और पंजाबी फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा का जन्म 1935 में आज के दिन हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1857 के विद्रोह में महती भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम का निधन 1863 में आज के दिन हुआ था। आज मुंबई और कोलकाता उतरेगी एक दूसरे के खिलाफ। मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने ने कहा है कि रोहित शर्मा केकेआर के खिलाफ मुकाबले में आज खेलने वाले हैं। हार्दिक पांड्या के लिए वो श्योर नहीं थे, लेकिन रोहित के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रोहित मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि वो आज का मैच खेलेंगे। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की बात करें तो दोनों ही टीम ने अलग अलग शुरुआत की है। मुंबई को चेन्नई के हाथों 20 रनों से हार का सामना करना पड़ा, तो कोलकाता ने एक तरफा अंदाजा में आरसीबी को हराया था। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है, इसलिए दोनों ही टीम जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो रोहित की टीम मुंबई इंडियंस 8 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है, वहीं कोलकाता 6 अंकों के साथ छठे स्थान पर है। व्हाट्सएप पे आप किसके साथ करते हैं सबसे ज्यादा बात, ऐसे लगाएं पता। व्हाट्सएप का इस्तेमाल आज के समय में लगभग हर कोई करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर आप हर दिन किससे सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं? दरअसल आज हम आपको ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करके पता लगा सकते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर किससे सबसे ज्यादा बातचीत करता है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप के सेटिंग ऑप्शन पर जाना होगा, जिसमें आपको डेटा एंड स्टोरेज यूजेस पर जाना होगा। ऐसा करने के बाद वहां दिए गए मैनेज स्टोरेज का विकल्प चुनें, जहां जानकारी दी गई है कि व्हाट्सएप पर किस यूजर ने कितना स्टोरेज स्पेस लिया हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर वो नाम दिया गया है जिससे आप सबसे ज्यादा बात करते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, रामबाबू कुमार, अनिल कुमार, उमेश यादव, राजीव कुमार, मंजू कुमारी, रविन्द्र पासवान, विकास कुमार सिंह, लाल बाबू, प्रेमकांत कुमार, अमर आजाद, मृत्युंजय कुमार, मुकेश मीना। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार टी नटराजन के संक्रमित होने के बाद आईपीएल को स्थगित कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।